इस्लाम अलैकुम। आज की ताज़ा तरीन खबर। कोलाची बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नईम अली कोलाची ने एक तजवीज़ तैयार करके सिंध हुकूमत को भिजवाने के साथ ही मुहिम को भरपूर तरीके से चलाने का ऐलान कर दिया। कराची का नाम तब्दील करके असल नाम कोलाची रखने की तजवीज़ एक तारीखी कदम है। सकाफती इदारे से मशावरत के बाद जल्द तजवीज़ सिंध हुकूमत को बाकायदा तौर पर भिजवाई जाएगी और मुहिम चलाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ कोलाची बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नईम अली कोलाची ने मीडिया को बताया कि कोलाची बरादरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कौम है, जिसे एक तरफ सियासतदानों ने नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ कराची का असल नाम कोलाची था, जिसे एक कदीम कौम कोलाची को नज़रअंदाज करके तब्दील कर दिया गया। कराची के असल नाम कोलाची के तौर पर बहाल किया जा सकता है। सिंध के दिल कराची का नाम इसके असल नाम कोलाची के साथ बहाल करने के हवाले से कोलाची बरादरी सामने आई। गुज़िश्ता रोज़ कोलाची बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नईम अली कोलाची ने मीडिया को बताया कि कोलाची बरादरी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कौम, जिसे एक कदीम कौम कोलाची को नज़रअंदाज करके तब्दील कर दिया गया। हम हर बार हुकूमत से मुतालबा करते रहे हैं कि कराची शहर का असल नाम कोलाची बहाल किया जाए, मगर हमारे मुतालबा पर अभी तक कोई अमल नहीं हो सका। और इनका मजीद कहना था कि यह तब्दीली नहायत मुआशरती और सकाफती मौाक़े का रुख करता है।